नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बायो मॉलिक्यूल का ये चौथा वीडियो। इससे पहले हमने तीन वीडियो अपलोड किए हैं। तीसरी वीडियो में हमने बात की थी आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन उसके बारे में, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या घटक चाहिए उन सभी के बारे में। तब हम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। तो आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन है वो तीन यानी पदों में संपन्न होता है। सबसे पहला पद है जो श्रृंखला है उसका प्रारंभन, यानी प्रारंभ कैसे होता है। फिर श्रृंखला की लंबाई किस प्रकार बढ़ेगी, यानी दीर्घन। और तीसरा होता है समापन, यानी समापन किस प्रकार होगा। और हमने पहले ही बात कर चुके थे, हम जब आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की पढ़ेंगे तो उसमें पहले तो उसकी जो एचआरएनए आरएनए बनेगा वहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग होगी, तब एमआरएनए का निर्माण होगा। तो इसकी जो क्रिया विधि पढ़ी जाए तो सबसे पहले हमें पता है जो डीएनए खंड पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज जब आकर जुड़ेगा तो इसकी जो एक बल्ब या इस प्रकार से यहाँ पर ये जुड़ा है, यहाँ पर एक इस प्रकार गुब्बारे नुमा या बल्ब नुमा संरचना बन जाएगी जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बल्ब। क्रिप्शन बल्ब बन गया। इस पर दो प्रकार के स्टैंड पाए जाते हैं। तो इसको एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड क्या होता है, जिस पर आरएनए का निर्माण नहीं होता। दूसरा होता है सेंस स्ट्रैंड पर क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन बल्ब है इस पर दो बिंदु पाए जाते हैं, एक बिंदु ये इस साइड है और एक बिंदु इस साइड है। तो इस वाला जो बिंदु है इसको रीवाइंडिंग बिंदु बोलते हैं, और ये वाला जो बिंदु है उसको अनवाइंडिंग या फिर विकुंडलन बिंदु बोलते हैं। क्योंकि ये आगे की तरफ इस प्रकार इधर बढ़ता जाएगा तो ये आगे आगे जो ये डीएनए उसको क्या करता जाएगा, डीएनए रज्जुओं को खोलता जाएगा या अनवाइंडिंग करता जाएगा, इसलिए इसको अनवाइंडिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो पीछे वाला ये फिर से इनको उसी प्रकार की वाइंडिंग करता जाएगा, यानी फिर से कुंडलित करता जाएगा, तो इसको रीवाइंडिंग बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ पर ये होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन बल्ब के अंदर जब हम पढ़ा था आरएनए पॉलीमरेज पांच पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से हमने बात की थी, दो अल्फा अल्फा हो गई और फिर बीटा बीटा डैश और सिग्मा। जब इसका आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा जो फैक्टर है वो क्या करेगा, जो प्रारंभिक कोडोन है एयूजी उसको जोड़ता है, उसको जोड़ देगा। तो ये सिग्मा फैक्टर यहाँ पर इसको जोड़ दिया, यानी संपूरक जो खंड है यानी प्रारंभिक जो कोडोन है उसको जोड़ दिया। जोड़ती ये क्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला पद समाप्त हो गया हमारा, क्रिया का क्या हो गया, प्रारंभन हो गया। अब प्रारंभ होने के बाद क्या होगा, श्रृंखला का दीर्घीकरण होगा। श्रृंखला के दीर्घीकरण की बात की जाए तो कोर एंजाइम इसका क्या करता है, दीर्घीकरण करता है। यानी जब फिर से आगे इस प्रकार यहाँ पर क्या है ए जी टी सी ये कोडोन है, तो इसका संपूरक कोडोन आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है वो जोड़ता जाएगा और जो एक आरएनए बनता जाएगा जिसको बोलते हैं एचएनआरएनए या हेटरोन्यूमेरिक आरएनए। हेटरोन्यूमेरिक आरएनए क्या करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन बल्ब से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही इसके साथ में सिग्मा जो फैक्टर है वो भी बाहर निकल जाता है, और सिग्मा फैक्टर निकलने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज बचता है उसको क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम बोलते हैं। कोर एंजाइम आगे से आगे इस तरफ क्या करता जाएगा, ये प्रक्रिया इस साइड चलती जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, जो संपूरक कोडोन है उनको जोड़ता जाएगा। इस प्रकार हम ये श्रृंखला का दीर्घीकरण कहलाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार ये आगे की तरफ पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ आगे आ रहा है और संपूरक कोडोन को जोड़कर ये इस प्रकार से आरएनए का निर्माण करते जा रहा है, यह एचएनआरएनए कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये प्रक्रिया जब चलती जाएगी तो उसके लास्ट में क्या होगा, एक समापन कोडोन आ जाएगा। समापन कोडोन जैसे यूएए आ गया तो ये क्या कर देगा, ये जो अभिक्रिया है इसको समाप्त कर देगा और ये जो आरएनए बन रहा है वो एचएनआरएनए कहलाएगा। अब समापन के बाद होगा क्या, समापन के बाद जो एचएनआरएनए बनेगा वो दो प्रकार से इसका समापन करेगा। एक तो इसका जो समापन होगा वो रो फैक्टर के द्वारा होगा और एक होगा हेयरपिन फॉर्मेशन के द्वारा। रो फैक्टर क्या है और हेयरपिन फॉर्मेशन के द्वारा किस प्रकार का, वो अभी बात करेंगे हम। तो रो फैक्टर की बात की जाए तो रो फैक्टर जैसे ही समापन कोडोन आ जाएगा तो जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ उसके जस्ट बिंदु पे ये रो फैक्टर जुड़ जाएगा।
रो फैक्टर जुड़ने के बाद क्या होगा, जो आरएनए ट्रांस जो फास्ट ट्रांसलोकेशन स्टार्ट कर देगा, यानी जल्दी जल्दी इनकी दिशा बदलने प्रारंभ कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्रिया नहीं कर पाएगा और ये जो प्रक्रिया वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज पृथक हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज पृथक होने के बाद जो आरएनए खंड बना है ये एचएनआरएनए कहलाएगा। एक तो ये प्रक्रिया होगी रो फैक्टर के द्वारा, दूसरी प्रक्रिया होगी बाय हेयर पिन फॉर्मेशन के द्वारा। हेयर पिन फॉर्मेशन के द्वारा क्या होगा कि इस आरएनए के अंदर जो समापन कोडोन आ जाएगा वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे क्रिया नहीं करने देगा, क्रिया नहीं करने देगा तो यहाँ पर वो क्रिया करना चाहेगा। इस प्रकार यहाँ पर आ गए वो समापन कोडोन थे, आगे क्रिया नहीं करना देगा और क्रिया करना चाहेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो इस प्रकार से एक संरचना बन जाती है, ये संरचना कहलाती है हेयर पिन फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो फाल्स है या इसको बोलते हैं गलत आनुवंशिक कोड जुड़ जाएंगे और जुड़ने से फाल्स पेयरिंग हो जाएगी। फाल्स पेयरिंग होने के कारण जो ट्रांसलोकेशन है यानी आगे बढ़ता जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज वो नहीं बढ़ पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से पृथक हो जाएगा और जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन या इसको लिखा हुआ देखें तो जो श्रृंखला का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए पॉलीमरेज कार्य करता है, तो डीएनए के प्रोमोटर स्थल पर बाइंड करता है और डीएनए को विकुंडलित करके ट्रांसक्रिप्शन बल्ब का निर्माण करता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इस ट्रांसक्रिप्शन बल्ब में धागे की आगे की ओर अनबाइंडिंग और पॉइंट पीछे की ओर होता है रिबाइंडिंग पॉइंट। ट्रांसक्रिप्शन बल्ब में दो प्रकार के स्ट्रैंड होते हैं, सेंस स्ट्रैंड और अर्थात वैरजुक जिस पर आरएनए संश्लेषण होता है, और एंटी सेंस स्ट्रैंड वह सेंस स्ट्रैंड का पूरक होता है जिस पर आरएनए संश्लेषण नहीं होता है। श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा पार्ट प्रथम संपूरक राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़कर श्रृंखला का प्रारंभ करता है, यानी एयूजी को जोड़कर प्रारंभ कर देता है। तथा श्रृंखला प्रारंभ होने पर आरएनए पॉलीमरेज से पृथक होकर डी आरएनए के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन बल्ब से बाहर आ जाता है। श्रृंखला दीर्घीकरण की बात की जाए तो चैन दीर्घीकरण का कार्य कोर एंजाइम करता है और आरएनए पॉलीमरेज में जो सिग्मा पार्ट है वो हटने पर कोर एंजाइम जो बचा हुआ भाग है वो कोर एंजाइम करता है। कोर एंजाइम संपूरक राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़कर श्रृंखला को आगे बढ़ाता है, परिणाम स्वरूप एचएनआरएनए बनता है। यह क्रिया समापन अनुक्रम आने तक चलती रहती है। अब श्रृंखला समापन दो प्रकार से होगा, हमने पढ़ा है ऊपर, बाय आरएचओ फैक्टर और दूसरा बाय हेयरपिन फॉर लूप के द्वारा या फॉर्मेशन के द्वारा। बाय आरएचओ फैक्टर की बात की जाए तो रो फैक्टर क्या करेगा, श्रृंखला समापन कारक कहलाता है। यह बनने वाले आरएनए पर आरएनए पॉलीमरेज के पास जुड़ जाता है तथा क्रिया का फास्ट ट्रांसलोकेशन करता है, परिणाम स्वरूप संपूरक राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाता और चैन समाप्त हो जाती है। दूसरा है बाय हेयरपिन लूप की। बाय हेयरपिन लूप की बात की जाए तो जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज समापन अनुक्रम तक पहुंच जाता है तो उनका ट्रांसलोकेशन रुक जाता है, परिणाम स्वरूप बनने वाले आरएनए में ओवरलैपिंग से हेयरपिन जैसी संरचना बन जाती है और इसमें फाल्स पेयरिंग हो जाती है, परिणाम स्वरूप जो ट्रांसलोकेशन वो अवरुद्ध हो जाता है यानी आगे नहीं बढ़ पाता और आरएनए पॉलीमरेज पृथक हो जाता है, यहाँ तक कि जो प्रक्रिया वो एचएनआरएनए का निर्माण करती है। अब एचएनआरएनए से हमें एमआरएनए बनाना है। एमआरएनए बनाने के लिए आगे जो प्रक्रिया होगी वो आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए काट-छांट कहलाती है, जो तीन स्टेप में पूरी होती है। तो इसका पहला स्टेप है कैपिंग, दूसरा एडिशन ऑफ पॉली एचएन और तीसरा स्प्लिसिंग। अब बात करते हैं हम तीनों प्रक्रियाओं के बारे में। तो ये क्या है, बना हुआ एचएनआरएनए, इसका 5 एंड और इसका 3 एंड है। तो सबसे पहले क्या होगी, कैपिंग की प्रक्रिया होगी और ये तीनों जो प्रक्रिया मिलकर प्रोसेसिंग कहलाती है। तो सबसे पहले जब कैपिंग की प्रक्रिया होगी तो इसकी 5 एंड पर जो मिथाइल कैप का निर्माण होगा, मिथाइलम कैप में क्या होता है, जो ग्वानिन 7-फॉस्फेट है या जिसको ट्रिपल फॉस्फेट बोलते हैं वो आकर जुड़ जाता है, तो जुड़ने से कैप जैसी संरचना का इस प्रकार निर्माण हो जाता है जिसको कैपिंग कहते हैं। ये 5 एंड डैश की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, एडिशन ऑफ ए पॉली ए चैन, यानी इसके तीसरे छोर पर एडिनिन के बहुत सारे जो अणु हैं वो जुड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो 200 से 300 अणु इसके एडिनिन के जुड़ते हैं। अब ये दो प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर हमने देखा था कि आरएनए के अंदर यहाँ पर कोडोन होते हैं, फिर ये बीच में खाली स्थान होता है, फिर कोडोन क्षेत्र होते हैं। ये कोडोन इनको क्या बोलते हैं, एक्जोन बोलते हैं, और जो खाली स्थान है उसको बोलते हैं इंट्रोन। इंट्रोन में आरएनए की कोई सूचना नहीं होती और जबकि ये एक्जोन इसमें सूचनाएं होती हैं। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट, ये पार्ट जो एक्जोन वाला पार्ट, सॉरी इंट्रोन वाला पार्ट है,
ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो इंट्रोन वाले पार्ट को हटाएंगे तो इस हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्प्लेसिंग। स्प्लेसिंग की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, एक विशेष प्रोटीन होती है एस एन आर एन पी प्रोटीन। ये जो स्मॉल न्यूक्लिक और राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, जो इंट्रोन है इंट्रोन इस भाग पर जुड़ जाएगी, इस खंड पर जुड़ जाएगी, एक्जोन की नहीं इंट्रोन की जुड़ेगी। इंट्रोन के जुड़ने के बाद ये क्या करती है, प्रोटीन के दो अणु जुड़ गए, दो अणु जुड़ने के बाद ये अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये पास चलकर आ जाएगी और इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। इसको बोलते हैं स्प्लियोसोम। स्प्लियोसोम बनने के बाद एक इस पर जीन कार्य करता है जिसको स्प्लिट जीन बोलते हैं। स्प्लिट जीन क्या करेगा, इस प्रोटीन को यहाँ से हटा देगा, जो इंट्रोन वाला भाग है और साथ में उस प्रोटीन को हटा देगा और फिर ये दोनों जो एक्जोन है ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार ये आरएनए का निर्माण हो गया और ये बनने वाला आरएनए कहलाता है एमआरएनए। यह प्रक्रिया पाँचवें छोर पर होती है कैपिंग। सबसे पहले तीन प्रोसेसिंग में तीन प्रक्रिया होती है कैपिंग की, तो यह प्रक्रिया पाँचवें छोर पर होती है। इस क्रिया में पाँचवें छोर पर मिथाइलेटेड ग्वानिन फॉस्फेट जुड़ते हैं, ये 6 से 7 के अनुक्रम में होते हैं। इस प्रकार से बनने वाले इस प्रारंभिक अनुक्रम को मिथाइलेटेड कैप कहते हैं, तो इस क्रिया को कैपिंग कहते हैं। दूसरा होता है एडिशन ऑफ पॉली ए चेन, तो यह क्रिया थर्ड छोर पर होती है। इसमें तीन छोर पर सतत रूप से अनेक एडिनिन युक्त न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। तीसरी स्प्लिसिंग की क्रिया, तो इस क्रिया में आरएनए के नॉन कोडिंग रीजन या इंट्रोन को हटाया जाता है। इसमें विशेष प्रोटीन एसएनआरएनपी इंट्रोन के दोनों छोर पर जुड़ती है, यह एक दूसरे को आकर्षित करती है जिसके कारण एक लूप समान संरचना बन जाती है जिसे स्प्लिसोम कहते हैं। और एसएनआरएनपी प्रोटीन इंट्रोन खंड के साथ पृथक हो जाती है तथा एक्जोन खंड आपस में जुड़कर स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण होता है। इसमें आनुवंशिक सूचनाएं कोडोन के रूप में पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक शब्द व संकल्पना दी थी गैमो नाम का एक वैज्ञानिक था उसने। तो इसकी परिभाषा देखें तो डीएनए पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम जिनमें जेनेटिक सूचना निहित होती है जेनेटिक कोड कहलाता है। कोडोन त्रिक रूप में पाए जाते हैं, यानी ये तीन रूप में पाए जाते हैं, तीन के जोड़ में पाए जाते हैं, जैसे ए ए ए, ये तीन के रूप में पाए जाते हैं। ये देखिए टोटल इसको निर्माण करने की आपको प्रक्रिया बताते हैं। आपको पता है कि जो नाइट्रोजनी बेस हैं वो चार प्रकार के हैं, यानी जो दो प्यूरिन और दो पिरिमिडिन है। तो पहले एडिनिन लिख लिए, यूरेसिन लिख लिए, ग्वानिन और साइटोसिन लिखिए, यहाँ पर ए यू जी सी लिखिए, फिर यहाँ पर ए यू जी सी लिखिए, और इनकी जब क्रिया करवाएंगे तो ये 64 प्रकार के जो कोड हैं वो बनते हैं। अब देखते हैं कोडोन की जो त्रिक संकल्पना है वो क्रिक ने दी थी। त्रिक संकल्पना किसने दी थी, क्रिक ने दी थी। कोडोन का आवंटन करने के दो प्रकार के प्रयोग किए गए, यानी कोडोन का आवंटन किस प्रकार होता है इसके लिए दो प्रकार के प्रयोग दिए गए। एक हम आगे प्रक्रिया पढ़ेंगे डी जनरेसी दी थी लेगरक्विस्ट नाम के वैज्ञानिक ने। तो डीएनए जो कोड है उनको वितरण दो प्रकार के प्रयोग द्वारा किए गए। तो पहला है पॉलीमर प्रयोग, ये पॉलीमर प्रयोग किया था नीरेनबर्ग मिथाई एंड होली ने, और दूसरा था को पॉलीमर एक्सपेरिमेंट, तो ये नीरेनबर्ग मिथाई एंड खुराना ने किया था। अब कोडोन की विशेषताएं देखें तो कोडोन त्रिक रूप में पाए जाते हैं, यानी तीन साथ में तीन तीन के जोड़े में होते हैं। इस प्रकार कोडोन कोमा रहित होते हैं, यानी हमें लिखा हुआ देखा होगा ए ए ए जी सी ए ए टी, इस प्रकार से, यानी इनके बीच में कोमा नहीं होती। कोडोन रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं, इस प्रकार रेखीय क्रम में विन्यासित होंगे। कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं। कोडोन नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, अर्थात एक कोडोन में अमीनो एसिड त्रिक पूरा होने पर अगले कूट फोर्थ अमीनो एसिड से स्टार्ट होगा। यानी हम बात करते हैं अगर ये इस प्रकार ए ए जी सी टी सी टी है, तो यहाँ पर पहला ये त्रिक क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को कूट करेगा। जब दूसरा अमीनो एसिड को कूट करेगा तो ये चौथे से स्टार्ट होगा, ना कि तीसरे से। आप कभी कर देते हो कि ये जी सी टी ये तीसरे स्टार्ट होगा, नहीं, ये क्या होगा, चौथे से ही स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग न होना। अगला देखते हैं कोडोन असंधिगत होते हैं, अर्थात कोडोन नॉन एम्बिनस होते हैं, अतः एक प्रकार के कोडोन से केवल एक ही प्रकार का एमिनो एसिड कूट होता है। यानी हम बात करते हैं जैसे ए यू जी की, तो ए यू जी क्या करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है, ये मिथ्योनिन को कोड कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिथ्योनिन को भी कोड कर देगा और वेलिन को भी कोड कर देगा, ये सिर्फ किसको कोड करेगा, मेथियोलिन को
मिथियोनिन को ही कोड करेगा, वेलिन को कोड नहीं करेगा। तो ये कहलाती है कोड की, जो कोडोन है उसकी असंदिग्ध प्रक्रिया, नॉन एम्बिजियस प्रक्रिया। उसके बाद कोडोन में अपभ्रंशता या डीजेनरेसी पाई जाती है कि इसकी होती क्या, ये किसी एमिनो एसिड के एक से अधिक कोडोन का पाया जाना कोडोन की अपभ्रंशता कहलाती है। यानी हमने AUG पढ़ा, ये मिथियोनिन को कोड करता है। और ये अगर वेलिन को कोड करे तो ये इसकी असंदिग्धता हो जाएगी, जो कि असंदिग्ध नहीं होती, ये केवल मिथियोनिन को कोड करेगा, वेलिन को कोड नहीं करेगा। अब अपभ्रंशता की बात की जाए तो AUG मिथियोनिन को कोड करता है, और कोई दूसरा AUG के अलावा कोई जैसे UCA है, ये अगर मिथियोनिन को कोड करता है तो ये अपभ्रंशता कहलाती है इसकी। यानी एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोड क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। अपभ्रंशता वोबलिंग के कारण उत्पन्न होती है। अब वोबलिंग की प्रक्रिया पढ़ें तो वोबलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, तो कोडोन में तीसरे न्यूक्लियोटाइड का कम महत्व होना, कोडोन के अंदर क्या होता है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड का महत्व कम होता है, जिसके इसको क्या बोलते हैं, वोबलिंग कहलाती है। जैसे अगर हम मिथियोनिन की AUG की बात की जाए तो ये मिथियोनिन को कोड करता है। अगर सब स्केल समझने के लिए बता रहे हैं आपको, ये GUA की बात, इसके बाद हम जैसे AUG है, ये जो मिथियोनिन को कोड करता है, अगर AUC आ गया तो ये भी मिथियोनिन को कोड करेगा। इसका जो तीसरा है ये ज़्यादा महत्व नहीं है, जो मिथियोनिन को कोड करने वाले पहले AUA क्या है, जो एडिनिन और यूरैसिल है वही महत्वपूर्ण है। तो यानी ये तीसरे का महत्व कम हो गया, ये कहलाती है वोबलिंग की प्रक्रिया। और ये कोडोन की तीसरी पोजीशन पर होती है, जबकि एंटी कोडोन की फर्स्ट पोजीशन पर होती है। इसी के कारण कुछ एमिनो एसिड के 2 से 6 कोडोन हो जाते हैं। अब कोडोन के प्रकार की बात की जाए तो कोडोन के प्रकार निम्न है। पहला श्रृंखला प्रारंभन कोडोन, तो मुख्यतः AUG होता है जो श्रृंखला को प्रारंभ करता है। AUG से मिथियोनिन कूट होता है। इसका अपवाद देखे जाए तो ये GUG यानी माइटोकॉन्ड्रिया में श्रृंखला प्रारंभ करता है। लेकिन GUG भी कोड किसका करेगा, लेकिन इससे भी क्या आगे मिथियोनिन कोड होगा। वैसे GUG से वेलिन कोड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, GUG से मिथियोनिन ही कोड होगा। श्रृंखला समापन, तो श्रृंखला समापन की बात की जाए तो कोडोन नॉन सेंस कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन कहलाते हैं, ये श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं। UAG, UAA ये 3 प्रकार के जो श्रृंखला समापन कोडोन है। UAG को ओपल कहते हैं, और UAG को अंबर कहते हैं, और UAA को ऑर्की कहते हैं। ये वैज्ञानिकों ने खोज की थी, उनके आधार पर इनका नाम रखा गया है। कोडिंग कोडोन की बात की जाए तो वह कोडोन जिनमें अमीनो एसिड कूट होते हैं कोडिंग कोडोन कहलाते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 61 होती है, क्योंकि एक तो लास्ट वाला नॉनसेंस कोडोन आ ही गया जो श्रृंखला को समाप्त कर देता है, एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन की बात की जाए तो कोडिंग कोडोन के संपूरक कोडोन को एंटीकोडोन कहते हैं, इनकी संख्या भी 61 होती है। तो ये तो थी कोडोन के बारे में, और RNA ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन जो संश्लेषण होता है उसके बारे में, यानी ट्रांसलेशन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।